बिहार में कल से सरकारी स्कूल समेत सारे स्कूल खोल दिए जाएंगे। सोमवार से 50% हाजिरी के साथ सभी स्कूल खुलेंगे। फिलहाल 9वीं से 12वीं की क्लासेस ही चलाई जाएंगी। सरकार ने तय किया है कि एक दिन में अधिकतम 50% की हाजिरी हो। देखना होगा कि क्या छात्रों के बीच एक एक दिन के अंतर पर क्लास चलेगी। कोचिंग क्लासेस भी शुरू की जा सकती। सरकार ने कॉलेज भी खोलने का निर्णय ले लिया। कोरोना काल की गाइडलाइन के तहत कई अन्य कदमों का ऐलान किया गया। बता दें कि 9वीं कक्षा से नीचे सभी बच्चे स्कूल आने का फैसला 18 जनवरी को लिया जाएगा। मिशनरी स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। केवल प्री बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएंगी। वहीं 9वें के बच्चे सेकेंड टर्म की परीक्षाएं देंगे। कुछ स्कूल ने ऑड इवन फार्मूला के तहत क्लास चलाने का रणनीति बनाई है। रोल नंबर के हिसाब से बच्चे को बुलाया जाएगा। पहले दिन ऑड तो दूसरे दिन इवन रोल नंबर के बच्चे स्कूल आएंगे। सरकारी स्कूल भी सोमवार से ही खुल जाएंगे। फिलहाल हाई स्कूल के बच्चे ही स्कूल आएंगे, उनकी क्लासेस चलेंगी। स्कूल प्रबंधकों की माने तो स्कूल से खुलने से पहले ही सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कक्षाओं के संचालक और परीक्षाओं के आयोजन में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूल में सैनिटाइजर और खाने से पहले हैंड वॉश अनिवार्य है। इधर स्कूल खुलने के साथ साथ बसों की परिचालन भी रविवार को शुरू कर दी गई। स्कूल बसें फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ चलाई जाएंगी। वहीं एक सीट पर एक ही बच्चा बैठेगा। बसों में सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं होंगी।